वो कैसा है, कहाँ से शुरू करें महाराज जी? एक जो आम व्यक्ति है वो धर्म के पूरे उसमें पड़ा रहता है, वो रामचरितमानस से लेके श्रीमद् भागवत से लेके भगवत गीता भी पढ़ता है, वेद भी पढ़ता है, उपनिषद भी पढ़ता है, बहुत सारे गुरु भी धारण करता है, तब भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं तो इतने मंदिरों में गया, इतने तीर्थों में गया, इतनी बार गंगा नहाया महाराज जी, इतने मैंने फास्ट रखे, उपवास रखे, मैंने सब कुछ किया, दान भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन परमात्मा तो मुझे प्राप्त नहीं हुए, तो कहाँ गलती कर रहा है एक मानव? मानो यही गलती कर रहे हैं। जो सही भगवान को मिलने का सही ढंग है वो ढंग जान के नहीं लेते, जान नहीं लेते, कोई सत्पुरुष के पास जाके, कोई आत्मदर्शी पुरुष के पास जाके, वो शॉर्टकट जो है वो जान नहीं लेते। इसके लिए उसको सब तीर्थों में जाना पड़ता है, सब कथा का करना पड़ता है, ये सब बहुत पिछो ये वो पूरा हैरान हो जाता है सब घूम घूम के, तो भी भगवान नहीं मिलता। जब भगवान मिलता है वही, जब कोई एक आत्मदर्शी पुरुष के पास जाके जब आप उन्हीं का मार्ग स्वीकार करोगे तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो सब जगह घूमने का ही काम ही नहीं है और बात करने का काम ही नहीं। भगवान प्राप्ति का भगवान को जानना यही बात है, भगवान को जानना रहता है, भगवान तो भगवान को जानने का है, पहचानने का।